अस्सलामुअलैकुम पब्लिक, क्या हाल है? ठीक है। आज हम जा रहे हैं हॉकी का मैच देखने के लिए। जहाँ तो हम टैक्सी पे भी सकते हैं, गाड़ी पे भी जा सकते हैं, लेकिन हम आज जाएंगे ट्रेन के ऊपर। ट्रेन के ऊपर जाएंगे और आपको बताएंगे और दिखाएंगे और ये व्लॉग बनेगा बड़ा ज़बरदस्त। ये एमआरटी से हम जाएंगे यहाँ से, आपको साथ साथ दिखाते रहते हैं। हम लोग जाएंगे खातिब स्टेशन पे, वहाँ से फिर हम लोग हॉकी स्टेडियम में जाएंगे। अच्छा, हम अब उस स्टेशन पे आ गए हैं जिधर से हमने आउट होना है, और एक बस लेनी है। बस सीधा हमें स्टेडियम के पास लेके जाएगी। जी पब्लिक, तो हम आ चुके हैं इस वक्त हॉकी स्टेडियम के पास, आपको दिखाते हैं हॉकी स्टेडियम भी। अब उसकी एंट्री कहाँ से है वो मुझे देखना पड़ेगा। हॉकी स्टेडियम की एंट्री मैं चेक करता हूँ कहाँ से अभी। हॉकी स्टेडियम के पास तो हम आ ही गए भाई। हम लोग इस वक्त आ तो चुके हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ से कहाँ जाना है। तो ये हॉकी स्टेडियम है, इसकी एंट्री कहाँ से है वो मैं देख लेता हूँ। हाँ जी, इस वक्त हम आ चुके हैं स्टेडियम में, ये चेक कर लें। और ये जो रेफरी है ये इमरान भाई है, ये पाकिस्तान के, ठीक है। ये हॉकी स्टेडियम चेक कर लें। ये जो ग्रीन शर्ट में ये इमरान भाई है, कोल्हापुर के क्लब में खेलते भी हैं। ये अभी क्या मिला है ये तो मुझे नहीं पता, हॉकी के बारे में इतना मुझे, मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ मिला है। कॉर्नर है क्या है ये? हाँ कॉर्नर है, चेक कर लेते हैं। चेक करो कॉर्नर पे गोल होता है कि नहीं होता है इनसे। ये इमरान भाई ने, ये चेक करो, और इसके साथ इन्होंने गोल मिस कर दिया। तो हम लोग, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, हमारे साथ जुड़े रहे। हम आपको दिखाते हैं अभी मैच और सारा कुछ। इमरान भैया अस्सलाम वालेकुम। ये इमरान भैया हमारे। एक बात मैं पूछता हूँ, पाकिस्तानी है और रेफरी है जहाँ पे सिंगापुर में उनकी जो टीम है हॉकी की उसके, और देख लो पाकिस्तानी कहाँ कहाँ पे अपना नाम रोशन करते हैं। हम लोग बस खाली एक ही चीज़ के ऊपर रहते हैं कि बस खाया पिया सोया और बस आगे पीछे निकल गए। तो अपने आप के अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा करो कि दूसरे मुल्क में तुम लोगों का नाम बोला जाए। ये नहीं कि पैसे ले के तुम अकाउंट भर के तो वो जा रही ज़िंदगी। तो लिहाजा इसी तरह कॉन्फिडेंस के साथ रहना चाहिए। ये इमरान भाई हमारे, इमरान भाई जो पाकिस्तान से हैं, इस वक्त तो शोर है, तो फिर हम कंप्लीट इनसे बात करेंगे मैच के बाद। अभी वो क्वार्टर हुआ है, सेकंड क्वार्टर है, तो उसके बाद हम दोबारा बात करेंगे। ये चेक कर लो, ये अभी उसके बाद जो हाफ हुआ है, उसके बाद जो पिच है उसके ऊपर पानी डाला जा रहा है, गीला किया जा रहा है। गाइस, ये इमरान भाई को जो बैज मिले हैं जिस कंट्री में जा रहे हैं वो अब खुद ही आपको बताएंगे। इमरान भाई आप बताएं। EHF का बैच है, EHF मींस एशिया हॉकी फेडरेशन का। ये लास्ट ईयर मैं गया था वहाँ पे साउथ अफ्रीका में मास्टर हॉकी वर्ल्ड कप के लिए। US का बैच है, ये वेल्स कंट्री का है, ये भी US का है, ये साउथ अफ्रीका का है, ये फ्रांस का है। दो चार और बैच है जो मिसिंग हो गए हैं। तो ये जब आप विजिट करते हैं तो वो आपको देते हैं? हाँ जी, वो एक्सचेंज करते हैं ना, तो मैच के बाद टीम ऑफिशियल्स या TO होते हैं जो कंट्रीज आए होते हैं, एज अ सुवेनियर वो आपको बैच देते हैं अपनी कंट्रीज का। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई, थैंक यू।